नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 27 अप्रैल की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव संपन्न जयपुर। दूसरे चरण के मतदान के साथ ही राजस्थान की सभी 25 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। राज्य में दो चरणों में मतदान हुआ, पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दूसरे चरण में राजस्थान में 59.19% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 69.79% वोटिंग हुई, वहीं सबसे कम पाली में 51.75% मतदान हुआ। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर में 51.92, अजमेर 52.38, जोधपुर 58, जालौर 57.75, उदयपुर 59.54, बांसवाड़ा 68.71, चित्तौड़गढ़ 61.81, राजसमंद 52.17, भीलवाड़ा 54.67, कोटा 65.38, झालावाड़ 62.23% मतदान हुआ। गहलोत बोले, किसी विधायक सांसद के फोन टैप नहीं हुए। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया, साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पीएम झूठ बोलते हैं। गहलोत ने राजस्थान में दो डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने का दावा किया है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट के ऑफिशियल फीडबैक आईडी पर शुक्रवार दोपहर धमकी भरा ईमेल आया। इसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही एंटी बम स्क्वाड ने सर्च अभियान चलाया। साइबर टीम भी जांच में जुट गई है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया, यात्रियों को फीडबैक के लिए दी गई आईडी पर आज दोपहर में ईमेल आया था। ईमेल करने वाले ने खुद को बेंगलुरु का होने की बात लिखी है। ईमेल में आरोपी ने एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट पर बम रखा होने की धमकी दी। व्हाट्सएप ने कहा, दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे। व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे मैसेजेस एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली एचसी में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। शिव में भाटी और बेनीवाल के समर्थक भिड़े। देश की हॉट सीट में से एक बाड़मेर सीट पर वोटिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप की जंग भी चल रही है। इधर दोपहर करीब 3 बजे जिले की शिव विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर आईजी विकास कुमार और बायतू विधायक हरीश चौधरी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आधे घंटे तक वोटिंग रुकी रही। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि हमारे एजेंट के साथ मारपीट कर बूथ से भगा दिया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 2025 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस एग्जाम कैलेंडर के जरिए यूपीएससी ने सीएसई एनडीए सीडीएस आईएफएस आईईएस जियो साइंटिस्ट और अन्य दूसरे एग्जाम्स की तारीखों के साथ साथ रजिस्ट्रेशन की डेट्स की भी घोषणा की है। 25 मई 2025 को होगा यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। राजस्थान में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। राजस्थान में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान बूंदी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 घायल हो गए। सभी को रावतभाटा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले सुबह बीकानेर शहर के बाहरी इलाके में कुछ जगह हल्की बारिश हुई, साथ ही वोटिंग के दौरान कोटा और झालावाड़ में भी बरसात हुई। जयपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई।
खाटू श्याम भक्तों की बल्ले बल्ले समर स्पेशल ट्रेन का रिंग्स स्टेशन पर होगा। ठहराव राजस्थान से भावनगर टर्मिनल दिल्ली, कैंट भावनगर टर्मिनल वीकली। समर स्पेशल ट्रेन का संचालन आगामी 2 महीने के लिए किया जा रहा है। खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी है कि यह ट्रेन रिंग्स स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। भाटी बोले, बिना वजह मेरे वोटर की गाड़ियां रुकवाई। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, बायतू विधानसभा में मेरे पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल दिया गया। ईवीएम पर मेरे नाम पर पट्टी लगा दी गई है ताकि मुझे वोट न पड़े। मुझे वोट देने आए प्रवासियों की गाड़ियां रोकी जा रही हैं। मुझे हराने के लिए इस तरह के कितने भी हथकंडे अपना लें, लेकिन मैंने अपने वोटरों के दिल में जगह बनाई है। उस दिल से कैसे निकालोगे? वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने साधा निशाना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के फोन टैपिंग को लेकर। दावों के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को नैतिकता के आधार पर राजनीति पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस घटनाक्रम को बेहद शर्मनाक बताया। मई महीने में इस दिन जारी होगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द 11 लाख छात्रों का इंतजार खत्म करने वाला है। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में 10वीं और 12वीं के परिणाम आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट की तैयारी अंतिम चरण में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड हमेशा की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं के परिणाम अलग अलग दिन जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम मई महीने के शुरुआत में जारी हो सकते हैं। जयपुर में गलत तरीके से बने घर दुकान तोड़ेगा निगम। जयपुर के रामगंज इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने के बाद अब नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को निगम आयुक्त अभिषेक सुराना ने निगम के सभी जोन उपायुक्त को अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का सर्वे करने के लिए कहा है। इसकी डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। सुराना ने कहा, हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में जिसने भी नियमों के विपरीत घर और दुकान निर्माण किया है, उसे नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध निर्माण किया है, उनके निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन नियमों के विपरीत अवैध निर्माण नहीं करे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।